कोई कह सके है 5:30 का टाइम है। यो देख रही थी मैं एक्सरसाइज करते हुए, फिर मैं सोचा हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसजी ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम। क्या हाल है? सब ठीक ठाक हो गए ना? बढ़िया है, सब ठीक रहना, खुश रहना और मस्त रहना। आज फिर मौसम ख़राब है हमारा। जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, आंधी और तूफान आया हुआ है। तो सुबह भी बादल है थे उस टाइम जिस टाइम मैं एक्सरसाइज कर रही थी। अब चला ही हुआ है कई दिन से मौसम का ना, सुबह सुबह बादलों का व्यू, बादलों के बीच में कौवे कबूतर कैसे उड़ते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। कई देर से देख रही थी मैं एक्सरसाइज करते हुए, फिर मैं सोचा शूट करने का, ये करें तो घोसला में तो निकल के इतने खुश होते हैं ये, तो कैसे खेलने लग रहे हैं ग्रुप के ग्रुप है, पूरे इकट्ठे 10-15 जने। आज मेरा चल रहा है बाहर की धुलाई वगैरह, पौधे वगैरह धोने, इनके ऊपर काफ़ी मिट्टी हो रही थी। तो अब जैसे ललिता ने नहीं आना है तो इन चीज़ों की मैं फिर सफाई करने लगी थी, क्यों काफ़ी मिट्टी हो जाती है और वो आती है तो फिर ये रह ही जाते हैं। मैं काम में लगी रहती हूँ फिर इतना उसका आने का टाइम हो जाता है तो फिर इनके ऊपर पानी डाला ही नहीं जाता, पोछा लगने के बाद फिर धोने को दिल ही नहीं करता। आज मैंने सबसे पहले यही काम करा कि पौधों की धुलाई, क्यों धोने के बाद फिर साथ के साथ फिर बाहर भी पोछा लग जाता है। आज दिन में कहीं जाना था तो मैं लगी थी फिर सब्जी बनाने, तो भिंडी बनाने, क्यों टिफ़िन पैक करना था, फिर बच्चों ने भी खाना था, मैंने अकेले नहीं जाना था। तो ये मेरी भिंडी की सब्ज़ी बन गई है। तो फिर पनीर था, बच्चे बोले शाही पनीर और बना दो, तो उनके लिए मैं शाही पनीर लगी थी बनाने। पहले प्याज और टमाटर मैंने भून लिए थे और उसके अंदर खड़े मसाले डाल दिए थे और थोड़ा काजू डाल दिया था, पहले भी घोल रखा था। फिर उसका पेस्ट बनाकर नहर में लगी थी, उसको दोबारा से फिर तड़का लगा कर न तैयार करने। तो एक आसान सी रेसिपी है शाही पनीर की, कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है। तो क्रीम की बजाय फिर मैं घर वाली मलाई डाल देती हूँ, क्रीम यूज नहीं करती, तो शाही पनीर भी बन गया था मेरा। तो फिर मैं एक हेल्दी ही ओट्स की समुद्री और स्ट्रॉबेरी डालकर ना वो बना रही थी। ओट्स मैंने भिगो दिए थे, उसके अंदर 2 अंजीर डाल दिए थे और 8-10 बादाम थे, सारे भिगोकर और फिर ग्राइंडर में डाल के साथ में स्ट्रॉबेरी डाल दी थी। फिर मैंने वो पीस लिए थे और बाद में मैंने 1 चम्मच पीनट बटर की डाल दी थी। एक हेल्दी ही ओट्स की और स्ट्रॉबेरी की स्मूदी तैयार हो गई थी। फिर मैं लगी थी अपना झाड़ू पोछा करने, काम होने के बाद मेरे सारे काम हो गए थे, फिर मैं झाड़ू पोछा में लगी थी। आज मैं लगी थी किचन में ये कॉर्नर का जो खाना था उसको क्लीन करने, क्यों यहाँ पर डब्बे डब्बे काफ़ी रखे हुए हैं और काफ़ी जिस तरह कोई भी सामान लाए तो यहाँ डाल देते हैं इधर, तो उन चीज़ों को मैं लगी थी निकालने जो भी एक्स्ट्रा था या डेट एक्सपायर हुई हुई भी अंदर ही पड़ा रहता है ना, हाथ नहीं डालते, जैसे ध्यान ही नहीं जाता कई बार चीज़ों पे, कोई भी पैकेट हुआ तो बाद में वो संभालने में आती है, कह रहे हैं तो बहुत पुराना रखा हुआ है। तो एक्सपायरी चीज़ों को फिर मैं यहाँ से निकाल कर और झाड़ू निकाल कर मैं बाद में फिर पोछा ढंग से लग जाएगा। वही बात है ना, अगर ललिता आती है तो फिर ये चीज़ें नहीं होती, जिस दिन वो नहीं आती तो फिर उस दिन ही होता है, क्यों वो आती है जल्दबाजी में, उधर से हम भी काम करते होते हैं, सपोज जल्दी आ जाती है, जैसे ऑफिस में जाना है उन चीज़ों में मैं भी उलझी रहती हूँ, कई बार जल्दी आ जाती है कई बार लेट हो जाती है, तो इस तरह फिर ये होती ही नहीं। मैं चलो अब उसने 2-3 दिन नहीं आना तो मैं इन चीज़ों को ढंग से करती हूँ और ड्रेसिंग फिर उसके आने के बाद ही होगी, जो नीचे का होता है ना, फिर ये नीचे को हाथ भी नहीं डालती, जैसे हम हाथ डाल के कर लेते हैं ना, ये नहीं डालती, चाहे कितना ही बोल लेते हैं हम इनको, चाहे किसी को भी लगा लो, मैंने और भी लगा के देखी पर ये तो मेरी पुरानी है। फिर काम होने के बाद नहा धोकर तैयार होकर ना मैंने जाना था किसी मुहूर्त में, तो उन्हीं चीज़ों पर मैं लगी हुई हूँ। असल में सभी लेडीज़ के साथ प्रॉब्लम होती है ना, सूट डाले तो अब कौन सी चूड़ी डालूँ क्या डालूँ, उन्हीं चीज़ों में ही उलझी हुई हूँ मैं। मकान के मुहूर्त में गए हुए थे तो फ्रेंड का था एक, उसी में मैंने मकान बनाया है उसके, चले गए 12:15 गए थे तो अब आए हैं 3:00, हवन करवा के ना खा पी का ना रखना आके, तो ये थोड़ी ही देर रेस्ट करते हैं, तो घंटा 3:00 4:00 तक 4:00 ही उठ कर चाय बना के देगा, घंटा सो ली। वाईफाई वाले ने बेल बजाई, आजकल ये वाईफाई भी हमारा तंग कर रहा है, चल ही नहीं रहा बिल्कुल ही, जब ही ख़राब हो जाता है जब ही चला जाता है, तो उसने उठाया, उठ के ना चाय बनाई है वो ठीक करके गया है, मैंने अपनी चाय बनाई है माँ तो बना कर दी है, आज हमारी माता का हो रही है बहुत ज़ोर की खांसी, थोड़ी होती है जब मानती तो है नहीं, ना हो जाऊँगी ठीक हो जाऊँगी ठीक, वही ज़्यादा होगी, तो आज वो अपने कमरे में ही है,
और तरह की खांसी हो रही है जो आजकल हुआ है ना उस तरह की है, साथ में फिर थोड़ा थोड़ा फीवर, तो उसको चाय बना के दी है, दपनीत पी है। और अब भी मेरे को नींद आने को हो रही है, तो थकान सी ऐसी होगी ना। और अब पड़े हैं दोपहर के बर्तन इतने, जो बच्चे का बना के गई थी इन्होंने खाया, फिर वो बर्तन बर्तन सब की मैं यू सिंक भरी पड़ी है, तो वो करने हैं, करूँगी थोड़ी ही देर में। अभी 4:30 ही हुए हैं, थोड़ी देर में करती हूँ। तो इतना और कुछ दिखाती हूँ, मैं कुरियर मंगवाया है, मेरे को स्टोर में थोड़ी ज़रूरत थी उन डब्बों की, तो कल सेटिंग करूँगी, फिर उससे पहले मैं दिखाती हूँ। तो जो खाने बने हुए हैं उसमें कपड़े कपड़ों की सेटिंग के लिए तो ज़रूरत थी इस तरह के बॉक्सा की, तो वो मंगवाए हैं। पहले भी मैंने कई बैग से मैं इसे फिर मंगवाती रहती हूँ, जिस तरह स्टोरेज के लिए बेड में रखना है, कंबल है, कुछ भी है, उनके अंदर कवर करके रखा जाता है, तो अब की बार थोड़े दूसरी टाइप के मंगवाए हैं, तो देखते हूँ कैसे हैं, मैंने भी नहीं देखा है, ऑनलाइन और कुछ होता है तो अब खोल के रियली में क्या होते हैं तो देखते हैं वही चीज़। ये जो सामान मंगाया हुआ था उसकी ओपनिंग कर रही हूँ मैं, क्यों जो ज़रूरत का होता है मैं ऑनलाइन ही मंगवा लेती हूँ देख के ना। कई बार सोच लिया था ऑर्डर करूँ, बस वो काम के चक्करों में रह जाता था, ऑर्डर हो ही नहीं पा रहा था, तो आज कर दिया था मैंने। सही है, जिस तरह कपड़े में चाहूँ थी ना मैं, सॉलिड है, यू नहीं है, नाजुक घास होता है, बढ़िया है, और इसी तरह के चाहूँ थे जैसे बर्तन है यू रखे जाए एक दूसरे के ऊपर, कुछ भी सामान रखें और तो फिर एक दूसरे के उसमें रखे जाए, और फोल्डेबल है, सबसे बड़ी बात ये फोल्ड हो जाते हैं बर्तन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और किचन उथल पुथल ही हो रही है, दोपहर तो ना इन बच्चों ने खाया था तो सारी बर्तन बर्तन बिखरे ही पड़े हैं, तो उसकी कर देती हूँ सेटिंग और बर्तन धो देती हूँ। फिर लगी थी मैं बर्तन साफ करने शाम को 5 बजे ही, क्यों बहुत ज़्यादा बर्तन हो रहे थे, दोपहर तक के पड़े थे, मैं 12 बजे से ले गई थी, तो सारे दिन के फिर ज़्यादा ही हो जाते हैं ना, बच्चे थे खा रहे थे पी रहे थे, पानी पिए तो गिलासों को भी पी के वहीं फेंक देना, तो आके देखे तो फिर एक भी गिलास नहीं बचा पाए, तो ऐसे उथल पुथल मचा देते हैं किचन में 2-4 घंटे के लिए जाएं तो। अरे ये तो बड़े हो रहे हैं, जिसमें छोटे हों तो यूं ही कह दे कि इनको पता नहीं, पर ये भी गड़बड़ करे ही मिला है। आज फिर मौसम कैसा हो रहा है, कल फिर हो रहा था, आज फिर बारिश का मौसम हो रहा है हमारे तो ना, राम जी के क्या करके हटेगा ये नहीं पता, किसी भी टाइम बारिश हो सकती है, गुटा खटा पीछे से देखने भी लग रहा है कैसे हो रहा है। 5:15 का 5:30 का टाइम है, तो मौसम का हाल देख लो क्या हो रहा है, बूंदाबांदी स्टार्ट, तूफान और बिल्कुल काला, बिजली चमक रही है, पहले दिखाऊं थी मैं जब यूं नहीं था तो अब यूं इस तरह है, अब की बार नहीं पता राम जी क्या करेगा, करडाटे उठा रहा है बिल्कुल ही तेज, ये देखो कोई कह सके 5:30 का टाइम है, यो बहुत तेज गड़गड़ाहट, बिजली चमक रही है, रोर ना, अब फोन ना बंद करूंगी क्यों, बिजली के चमकारे लाग रहे हैं, वो कहते हैं ना नेट कर उसमें बिजली गिर जाती है, वाईफाई कर उसका होता है तो आपस में क्रॉस कनेक्शन हो जाता है, तो वीडियो गेम क्यों यहाँ से दिखा भी नहीं सकती, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, चमकारे लग रहे हैं बिजली के, पर्दा टाक है ना ये देखा, और कभी लाइट आ रही है कभी जा रही है। वीडियो की एंडिंग कर दूँ, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम, नमस्ते, शुक्रिया, और थैंक यू, राम राम।